खरगोन जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अनुबाई भारत सिंह तंवर को 26 में से 14 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष के उम्मीदवार रेवाराम पाटीदार को 12 ही मत मिले हैं। बेहद रोचक इस मुकाबले में 26 वार्डों में से 12 पर कांग्रेस और 11 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय हुए थे। इस तरह जीत की चाबी 3 निर्दलीय प्रत्याशी के पास थी और जीत के समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के पास 12 यानी भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट ज्यादा थी, जिसके कारण कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि जनपद जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर कसरावत विधानसभा की अनुबाई भारत सिंह तंवर को बैठाकर कसरावत को पहली बार जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया। जीत के बाद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। कसरावत से लेकर भिलगांव तक ओपन जिम में विजयी उम्मीदवार अनुबाई भारत सिंह तंवर, उनके दोनों पुत्र राजेश तंवर एवं महेंद्र तंवर के साथ विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में ढोल ताशे आतिशबाजी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता झूमते गाते और जयघोष के नारे लगाते हुए चल रहे थे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। भाग दौड़ के बाद अपनी फैक्ट्री में आराम करते हुए फुर्सत के कुछ पलों में राजेश तंवर जी हमारे साथ में हैं, एक सफल व्यवसायी, और हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने अभी जो जिले में कसरावत को एक ऐसा सौभाग्य बढ़ाया है कि कसरावत पहली बार जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमने देखा कि आपका पूरा ध्येय पूरे जिले के ऊपर लगा था, तो क्या हम ये माने कि बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाइयाँ हारना पड़ती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई सबको हम जितना चाहते हैं और जितने की पूरी कोशिश करी, और परिणाम भगवान के हाथ में रहता है जो भी आए। लेकिन जिला में हम परचम लहराने में सफल हुए और इसके लिए मैं अपने सभी जनता जनार्दन को हृदय से नमन वंदन करता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं का हृदय से नमन वंदन करता हूँ, जिनकी मेहनत से ये आज नतीजा आए, और विशेषकर जिलाध्यक्ष महोदय राठौर साहब, राजेंद्र राठौर जी, जिनकी कप्तानी में और सूझबूझ में हम विजय हासिल करने में सफल हुए। निश्चित रूप से रणनीति काफ़ी सोच समझ के बनाई गई थी, क्योंकि जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही थी 11 और कांग्रेस सबसे आगे थी 12, ऐसी स्थिति में आपने हिम्मत नहीं हारी और लगातार संघर्ष करते रहे और आखिर विजय श्री हासिल करी, तो क्या लगा था एक समय पर, किस तरीके से महसूस कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत असंज का माहौल था, बहुत कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके, हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेके और हमारे हायर अथॉरिटी का पूरा सहयोग लेके संकल्प लिया था कि हम रिकॉर्ड लेवल पे जाएंगे, और हमारे निर्दलीय भाइयों का इसमें विशेष रोल रहा, और आदिवासी भाइयों से मेरा गहरा रिश्ता है, हम बहुत सच्चे दोस्ती है हमारी, और उनने उस दोस्ती को निभाया, और तीनों बोधगांव वाले दादा सुभाष सिंह जी, जिंदर भाई जिन्या, सिकटिया भाई जिन्या 26 नंबर, उनका पूरा असीम प्यार मिला, सहयोग मिला, और एक जादुई आंकड़े को हम प्राप्त करने में सफल हुए। आप एक सफल व्यवसायी हैं, एक समाज सेवी रहे, अब चुनाव में भी आपकी पहली पारी में आपने एक कसराव क्षेत्र के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, आगे किस जगह नज़र है आपकी? बस एक ही नज़र है कि काम अच्छा हो और जनता की तन मन धन से सेवा हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी गर्व करे, हमारे हायर अथॉरिटी इसको प्राउड फील हो, उस दिशा में हम काम करें, आगे बढ़े, अच्छे नतीजे लाएं और सरकार की योजनाओं का पूरा पूरा लाभ जनता को मिले, उनका चक्कर काटना, उनकी तकलीफों को दूर करना और उनकी परेशानियों को समाप्त करना, ये ध्येय है और उसी के लिए काम करेंगे। ये थे हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।